मैं हूँ आपका दोस्त हीरा योगी। मेरी वीडियो मुझे पता है आपको लगती है अच्छी लगती है, तो करना एक छोटा सा काम जो रेड बटन है इस पे करना है क्लिक, एक तो सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके थोड़ा बाजू में क्या है एक बेल आइकन जिसको हिंदी में बोलते हैं घंटा, और मंदिर का जो होता है घंटा उसको कर देंगे प्रेस। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा जब भी कभी नई वीडियो अपडेट होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक पर्पज़ था। मुझे बहुत सारे जो कमेंट आए पिछले पूरे एक महीने में, एक ऐसा टॉपिक जिसमें मुझे बोलने का आज मौका तो मिल रहा है, बट उसका जो यूज़ है वो हम सबके लिए होने वाला है। शब्द है वो डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, एंजाइटी, ये सारा। तो कुछ दिनों से मैं जब कॉर्पोरेट क्लासेस दे रहा था तो एक क्वेश्चन सबके सामने आया, सर हमें नींद नहीं आ रहा है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। बात भी स्वाभाविक है, बॉस ने कुछ कहा, आपने वो बात दिमाग में रख ली, घर तक लेकर आ गए तो डिप्रेशन क्रिएट हो गया। तो आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, हीरा योगी आज आपके लिए लेकर आए डिप्रेशन से कैसे पाएं अपने आप को मुक्त, डिप्रेशन से कैसे करें अपने आप को मुक्त। तो आप ही सोचिए, डिप्रेशन से शरीर में क्या क्या फिजिकली एक्टिविटी में चेंज आता है। जब आपको डिप्रेशन आता है, जब आपको तनाव आता है, अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑफिस और आप स्कूल में एक टीचर हैं, उनको भी डिप्रेशन आता है, और आप एक घर में गृहिणी हैं, उनको भी डिप्रेशन आता है, और जो कुछ वेले लोग होते हैं, जो भारत में तो वेलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो डिप्रेशन आएगा आएगा, लेकिन वो सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म कर देता है। आर यू गेटिंग? तो इसको कैसे इससे निकला जा सकता है? देखिए, जब भी आपका डिप्रेशन बढ़ेगा तो आपके अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो आपकी बॉडी में जो केमिकल लोचा बोलते हैं इसको, MBBS मूवी देखी है ना आप लोगों ने, मुन्ना भाई MBBS, तो केमिकल लोचा हो रहा है भाई दिमाग के अंदर में, तो आपकी बॉडी में वो लोचा चालू हो जाता है। उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी फ्रेंडली बिहेवियर ना करके अनफ्रेंडली हो जाती है, मतलब आपको जहाँ पे हंसना चाहिए वहाँ पर आप गुस्से में रहते हैं। जैसे परिवार के अंदर में हंसना, बोलना और मुस्कुराना होता है, तो घर में आप मुंह बना के रखते हैं, इट्स वेरी रॉन्ग। आप दोस्तों के बीच में जाते हैं तो परेशान होने लग जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, जैसे पढ़ाते पढ़ाते समय एकदम गुस्से में आ जाना, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना। डिप्रेशन कोई एक एज को मैटर नहीं करता कि ये 16 से 50 के बीच में आएगा, ये आजकल बच्चों को भी आ रहा है। तो जो मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, जो यूथ में सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो 18 साल से लेकर 30 साल तक के बीच के लोग हैं, और 30 से ऊपर भी, और जो ऑफिसेस में हैं, घर में हैं, कॉलेज में हैं। तो मैंने देखा सर्वे आया ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी का, तो उसमें एक ये बोला गया, उन्होंने 1500 लोगों पर रिसर्च किया कि उनकी बॉडी के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और उसके चक्कर में क्या उनकी आर्टरीज ब्लॉकेज होने लगी और हार्ट अटैक बहुत अच्छे रेशियो पे बढ़ने लग गया। इट मीन्स आपकी एक तनाव लेने से आपकी सोच में परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आने से शरीर में बदलाव होने लगे और आपको हार्ट अटैक के आप शिकार हो गए। आपने सुना होगा आजकल बस 22 25 30 तक में लोगों को स्टेंट डल रहे हैं, और ये इंडिया के अंदर में अभी तो कम है, सिर्फ 8% है जो हमारी WHO की रिपोर्ट बताती है, बट एम्स के जो डॉक्टर्स कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रेशो 2 से 5 साल के अंदर में 15% को क्रॉस कर जाएगा यूथ में हार्ट अटैक के जो केसेस का है। अब रीज़न क्या है? डिप्रेशन। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा है, खाना और सही टाइम पे सोना नहीं। जैसे लेट नाइट पार्टीज होती है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं, क्योंकि आप 2 बजे जब आप पार्टी करोगे, ड्रिंक करोगे या लाउड म्यूजिक सुनोगे, तो जो आपके हार्मोन्स के न्यूरोन्स हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रेक्शन आ जाएगा। तेज साउंड हमेशा दिमाग के न्यूरोन्स को खराब करता है। तो ये सबसे बड़े रीज़न है, छोटे 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 आपको करना एक छोटा सा काम है। अगर आपको डिप्रेशन से बचना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, आपकी इम्यूनिटी बेकार ना हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही चलता रहे, और ऐसे लोगों को शुगर बहुत जल्दी होता है, तो मैं 3 उपाय बताऊंगा। पहले भी बताता रहा हूं, जब भी आपको तनाव आ रहा है, और तनाव से तो बीमारियां बहुत सारी है, मैं एक हार्ट अटैक की बात नहीं करूंगा, तनाव आने से आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम जिसे अंग्रेजी में इंसोमिया बोलते हैं, आपकी बॉडी एक सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस, और आपका हाई BP भी हो जाना, कभी लो भी हो जाता है, और गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो जाना,
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाना, ये सब तनाव से हो रहे हैं। अब इसको मुक्ति भी तो चाहिए ना, कारण और निवारण। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है। आपने रख ली एक BMW गाड़ी और उसमें पेट्रोल डालते हो, केरोसिन से मिला हुआ, तो क्या होगा? आपकी इंजन का सीज, कहते हैं ना हाँ टेक्निकल लैंग्वेज में, सीज हो जाएगा इंजन। तो फिर क्या करोगे आप? तो अच्छी भली गाड़ी को आप खराब कर दोगे, वही आप इस शरीर के साथ कर रहे हो। अब पॉइंट नंबर वन, ठीक करना चाहते हो। देखो, अगर ठीक करना चाहते हो तो मेरी बात को पूरा समझना और करना 20 डेज रेगुलर। दोस्तों, ऑफिस की समस्या या बॉस ने डांट दिया, वाइफ ने कुछ कह दिया या गर्लफ्रेंड ने कुछ कह दिया, सब चीज़ें डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, उसको वहीं पे भूल कर आ जाओ। छोटे बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी मम्मियों की वजह से होती है। मम्मी कहती है मेरी वजह से, मेरी तरह से चले, पापा कहते हैं मेरी तरह से चले, टीचर अपनी उसके ऊपर ड्यूटीज़ को हावी कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रूथ, जो मेरी एज के हैं और जो मेरे से बड़े हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबको अगर इससे निकलना है तो पहला काम करना है अपनी ब्रीदिंग। अपनी ब्रीदिंग को करना है बहुत अच्छा, हिंदी में बोलते हैं प्राणायाम। 3 प्राणायाम आप करिए और इन 3 प्राणायामों को करने से आपका जो अवसाद है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, एवरीथिंग चूम अंदर, और आप मुक्त हो गए आप उससे, तो आप खुश रहोगे। तो 3 प्राणायाम में पहला प्राणायाम होता है डीप इनहेल का प्राणायाम, जिसमें आप अपनी ब्रीदिंग को डीप लेते हो, डीप छोड़ते हो। पूरे 10 मिनट करने हैं और 1 मिनट में सिर्फ 7 ब्रीथ ही आपको लेनी है और छोड़नी है, ओनली 7। वैसे आप ले लेते हो 30 से 40 छोटी छोटी, बट आपको डिप्रेशन से मुक्ति चाहिए तो क्या काम करना है? पहला डीप ब्रीदिंग, इनहेल, अवेयरनेस साथ रहेगी, पॉइंट नोट करना, आपकी अवेयरनेस ब्रीथ के साथ रहेगी। देन एक्सहेल, पहला तो ये हो गया 10 टाइम्स 10 मिनट्स करोगे, जो 1 मिनट में 5 होता है तो टोटल हुआ 50 हो गया। पहली बात, 7 करोगे तो 70 हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर में। पॉइंट नंबर 2, समझ रहे हैं? पॉइंट नंबर 2 में इस प्रेशर को थोड़ा तेज कर देंगे, इसको भ्रस्तिका बोला जाता है हमारे यहाँ पर। तो आप इसके 100 राउंड्स करेंगे, क्योंकि इनिशियली आप साधक हैं नए। हमारे यहाँ साधक किसको बोला जाता है? जो सीखना चाहता है वो साधक कहा जाता है, जो डिवोशन के साथ काम करता है। पॉइंट नंबर 2, नहीं समझ आ रहा, दोबारा से बताता हूँ, तेजी से इन्हें, तेजी से ले रहे हो, तेजी से छोड़ रहे हो, तेजी से ले रहे हो, तेजी से छोड़ रहे हो, ये 50 to 100 times। तो देखो आपका डिप्रेशन, 20 days रेगुलर करना, आई प्रोमिस यू, ऐसे पकड़ लेना, वो कहते हैं ना गुंडा, अगर डॉक्टर साहब ये नहीं हुआ तो मेरा गला पकड़ लेना, हाँ वरना मुझे पता है रिजल्ट आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा प्राणायाम है, उसमें आपको क्या करना है? ब्रीदिंग इनहेल, देन होल्ड। होल्ड करने की इच्छा आपकी है, हमारे यहाँ पे भारीवृत्ति अंत्यवृत्ति प्राणायामों के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप इस कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ना। आप इनहेल करना, होल्ड, फिर एक्सहेल, फिर होल्ड, ये 3 प्राणायाम करने हैं आपको बस। आप 20 डेज तक ये करो, 10 मिनट्स यानी 30 मिनट्स के तीनों हो गए, आप करो, आपका डिप्रेशन हो जाएगा चूम अंतर, और आप हो जाओगा, आपका चेहरा हो जाएगा मुस्कुराते हुए मेरी तरह, और जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है प्रभु, उसको क्या करते हैं? हक करते हैं। आपकी वाइफ भी हक करेगी जब आप मुस्कुराओगे, आपके बच्चे आपको हक करेंगे, जिनकी गर्लफ्रेंड है तो उनको भी हक रहेगा, मजा आएगा ना। तो दोस्तों, वीडियो को करता हूँ यही विराम, ये वीडियो लाइक शेयर और इस पर कॉमेंट भी करना आप लोग, और बेल आइकन होता है ना उस पर प्रेस कर देना। ये इसलिए कहता हूँ कि अच्छी चीज़ हमेशा शेयर करो, और मैं कोई भी अच्छी चीज़ लाता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मगर दोस्तों, करना तो आपके होगा, मुझे नहीं, मैं अपना कर रहा हूँ, मेरे विद्यार्थी अपना कर रहे हैं। तो हैव ए गुड डे, प्रणाम, हरिओम, तत्सत, आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें।